ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि विडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर की जीवन शैली के बारे में चर्चा हो रहा था। स्वयं भगवान मानव लीला के माध्यम से कैसे मानव जीवन जीना चाहिए वो स्वयं करके दिखाया। ठाकुर के आचरण, ठाकुर के संलाप गभीर अर्थवह है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ हमारे लिए प्रभु करके किया ताकि हम उनको अनुसरण करते हुए हमारे जीवन को भगवत मुखी कर सकें, इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकें। अभी देख रहा हूँ इसमें ठाकुर के जो व्याधि हुआ है, मर्मान्तिक कैंसर रोग से ठाकुर चिन्हित हुए थे, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रहने से व्याधि होगा ही, और व्याधि होने से हम कैसे उसको मुकाबला कर सकें वो करके दिखाया। लक्षण यह है कि व्याधि होने से जो दुख होता है, कष्ट होता है, ये नहीं है, ये प्रभु का नहीं हुआ, उस अंग भगवान है, व्याधि का प्रकोप कम हुआ था, बिल्कुल नहीं। जैसे साधारण व्यक्ति व्याधि का प्रकोप से झेलते हैं, कष्ट उठाते हैं, यंत्रणा होते हैं, ठीक वही कष्ट वही यंत्रणा उन्होंने हमारे लिए, हमारे जीवन को ईश्वरमुखी करने के लिए अपने ऊपर ले लिया। और लिटरली ही सेइंग हमारे बहुत कष्ट होता है और वो कष्ट उन्होंने कैसे झेला है उसका भी निदर्शन देते हुए हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं। यहाँ पर उनके देखने के लिए एक डॉक्टर राखाल आए थे। एक हम देख रहे हैं कि डॉक्टर का साथ उनके गभीर विश्वास है एवं डॉक्टर को बोल रहे हैं जी बाबू इटी भालो करे दो, आई एम सफरिंग, प्लीज़ गिव सम रेमेडी, प्लीज़ रिड्यूस माई सफरिंग एंड पेन। एवं अत्यंत करुण कंठ में प्रार्थना कर रहे स्वयं भगवान। ठाकुर स्वयं कहा करते थे कि भगवान दो बार हंसते हैं, भगवान लव्स ट्वाइस, एक जब दो भाई झगड़ा करते हुए कहते हैं ये ज़मीन का इस प्रांत हमारा है, उस प्रांत हमारा है, भगवान इसलिए हंसते हैं कि कोई भी ज़मीन इन लोग का नहीं है, सब हमारा ही है। तब भी अज्ञान वशतः कहते हैं ज़मीनकार इस प्रांत में रहा है, इस प्रांत हमारा है। द्वितीय बार हंसते जब
बीमारी में आक्रांत होकर भक्तगण परेशान हो जाते हैं, तब वैद्य जी को बुलाया जाता है और वैद्य जी आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हारा रोग अच्छा कर दूँगा, तुम्हारा बीमारी हम ठीक कर दूंगा। भगवान इसलिए हंसते हैं कि बीमारी सही करने का मालिक है स्वयं भगवान। अगर वैद्य कह रहे हैं मैं कर दूंगा, ये संभव नहीं है, भगवान की इच्छा से होगा। वही व्यक्ति अभी वैद्य जी को स्वयं नारायण रूप से कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि वो डाक्टर ही नारायण है। ये जो दोनों बात का विपरीत भावना है, इसको संतुलित करना जरूरी है। ठाकुर क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, इतना आसान नहीं है। बहुत ध्यान से इसको विचार करने से, मनन करने से तभी इसका जो शिक्षा, इसका जो असल संदेश, तब परिष्कार होगा। तो यहाँ पर कहा गया है, ठाकुर कहते हैं सबके भीतर नारायण है, तो ये मानकर अगर हम चले कि तब किसी से हमारा और पूछने का जरूरत नहीं है, सभी ईश्वर है। लेकिन यहाँ पर ठाकुर कहते हैं कि सबके भीतर ईश्वर है, मान के किसी से सलाह नहीं लूँगा जो आपने मनमानी करेंगे, ये बात नहीं है। सबके भीतर ईश्वर है लेकिन प्रकाश के तारतम्य है। सबके भीतर ईश्वर एक ही रूप में विद्यमान नहीं है। इस प्रसंग से उन्होंने हाथी नारायण, महावाद नारायण का उपाख्यान दिया है। जो साधक थे, गुरु जी का यह निर्देश समझने में उनका त्रुटि था। गुरु जी बताया सबके भीतर नारायण है, ये सुनकर वो पगला हाथी का सामने करके उनको स्तुति करने लगा और हाथी उनको सूंड से उठा के पटक के दूर से फेंक दिया, वो बेहोश हो गए। तो जब उनको गुरु जी अन्य व्यक्ति आश्रम से आके होश में लाए, तब पूछा गया क्यों नहीं हटा, नहीं वो भी तो नारायण है। तब उनको कहा गया है वो तो है नारायण हाथी, लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए जो महावत था वो तो चेतावनी दे रहे थे हटो हटो। अगर हाथी भी नारायण है, उसके महावत भी नारायण है, तो हाथी का अगर तुम बात मानोगे, महावत का भी बात मानना चाहिए था। और ठाकुर कहते हम महावत नारायण मानता हूँ, अर्थात जो हाथी के ऊपर विराजमान होते हुए आपको चेतावनी दिया, होशियारी दिया, उसका बाद में मानना चाहिए। इसीलिए ठाकुर कहते मैं महावाद नारायण का मानता हूँ। इस प्रसंग में उनका बीमारी का प्रसंग में ठाकुर कहते जो वैद्य आया है, मैं उन्हीं का बातें भगवान का वाणी समझ के उन्हीं का हम अनुसरण करते हैं। जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर के वाणी मानकर आपने जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। जब हमें निर्देश मिल रहा है जैसे करो, तब हमें सोच करके देखना है एवं विचार करने के उपरांत हमारा जीवन का धग धारण निर्णय करना चाहिए। तो ये ठाकुर कह रहे हैं कि जो ईश्वर के वाणी
विशेष प्रकाश में विशेष रूप से प्रतिभात होता है। जहाँ पर मन का शुद्धि शुद्ध है, जब मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है, शुद्ध आत्मा शुद्ध बुद्धि एक है, प्योर माइंड प्योर इंटेलेक्ट एंड प्योर द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड दे आर वन। अर्थात पवित्र मन में ही भगवान का वाणी प्रतिफलित होता है। ठाकुर कहते हैं मैं वो मान के चलना चाहता हूँ। ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर किसी को सहारा बिना है, हम लोग भगवान के जो विचार है, भगवान के जो निर्देश है, उसी के अधीन हो और हम लोग यहाँ पर असहाय नहीं है, अनाथ नहीं है, भगवान की हिफाजत में है। और वो जिस माध्यम से हमें संवाद पहुँचाते हैं उस माध्यम को मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर ठाकुर वही चीज उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हम उसको मानता हूँ। अर्थात जो डॉक्टर है उन्हीं को विचार अनुसार हमें चलना चाहिए। ये हमें अहंकार नहीं रखना चाहिए कि सबके भीतर भगवान है तो वो भी बराबर सबके बराबर है, ऐसे नहीं है। आधिकारिक भेद है। यहाँ पर जो भगवान का विचार है, भगवान का निर्देश है, तो बीमारी के बारे में डॉक्टर को विचार हमें मानना चाहिए। इसीलिए उन्होंने असहाय जैसे होकर उनकी जो कमीज पकड़ती है कह रहे हैं बाबू को ठीक कर दो, कातर होकर प्रार्थना कर रहे हैं। स्वयं भगवान एक इंसान को कातर होकर प्रार्थना करने के माध्यम से यही संवाद दे रहे हैं कि जीता जागता भगवान को मानना ज़रूरी है। जो डॉक्टर जिसको मान लिया वो भगवान का ही प्रतिरूप है, उनको वाणी उनके निर्देश पालन करने से ही हमारा कल्याण होगा। इस ढंग से अगर हम जीवन प्रतिफलित करें, परिचालित करें, तभी हमारा जीवन सही ढंग से चलते रहेंगे। इस प्रसंग को हम लोग और भी बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।